हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेंकी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आलू टिक्की चाट बना रही हूं और चाट को बड़े और बच्चे सभी को बहुत पसंद होती है और आप इसे बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 5-6 आलू लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल होने के बाद मैंने इसको 3-4 घंटे रखा, ये ठंडे हो गए हैं। और मैंने सूजी ली है जिसका मैंने पाउडर बना लिया है, आप सूजी की जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। मैंने हरा धनिया लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया, बारीक चॉप कर लिया। एक मिर्ची ली है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। 1/2 टीस्पून नमक और लाल मिर्ची स्वाद अनुसार। मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया, इसमें मैं आलू डाल रही हूँ। सूजी मैं 3-4 चम्मच ले रही हूँ। हरी मिर्ची, हरा धनिया, नमक और लाल मिर्ची का पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी देखिए हमारा आलू तैयार है। अभी हम टिक्की बना लेते हैं। आपको छोटी बड़ी जैसी चाहिए आप वैसे बना लीजिए, मैं मीडियम साइज की बना रही हूँ। पहले आप इसको राउंड कर लीजिए ऐसे, फिर हल्का सा प्रेस कर दीजिए, इसको आप टिक्की की शेप दे दीजिए। और ऐसे ही आप सारी टिक्की तैयार कर लीजिए। देखिए हमने टिक्की तैयार कर ली है, अभी हम सैलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने ऑयल लिया है 5-6 टेबल स्पून, अब मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। और आपको लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है कि वो हमारी टिक्की वो अंदर तक अच्छे से सिक जाए, कच्ची ना रहे। अभी ये इसको 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम पलट देते हैं धीरे से। अभी आप इसको 2 मिनट के लिए पीछे से भी अच्छे से सिक ले दीजिए। इसको थोड़ा सा आपको ब्राउन होने तक फ्राई करना है दोनों तरफ से। अभी देखना हमारी थोड़ी सी, हमें थोड़ा डार्क कलर करना है इसका। और अभी हमने 2-2 मिनट तक कम फ्लेम पर सेक लिया इसको, अभी आप मीडियम फ्लेम कर लीजिए अपनी और 1-1 मिनट और आप इसको फ्राई कर लीजिए। इसका थोड़ा सा आपको डार्क कलर चाहिए। अभी 1-2 मिनट हो चुके हैं, हम इसको टिक्की को दोबारा से पलट देते हैं। आप इस तरफ से भी इसको डार्क ब्राउन कलर आने दीजिए। देखिए अब हमारी हो गई है ये डार्क ब्राउन कलर, हम निकाल लेते हैं इसको। और बाकी है जो हमारी 2 टिक्की, उसको भी आप ऐसे ही फ्राई कर लीजिए लो से मीडियम पे। देखिए हम इसको पलट लेते हैं एक बार, 2 मिनट हो चुके हैं हमारे। देखिए हमारा पलट देते हैं इसको हम, ये डार्क ब्राउन कलर हो गया उसका। देखिए हमारी हो चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ हमारी टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हैं। चलिए आइए हम सर्व करते हैं अभी। अभी हम इमली की चटनी डाल रहे हैं। जब हम इमली की चटनी और ग्रीन चटनी डालते हैं हमारी चाट में तो इससे उसका स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। अभी हम हरी चटनी डाल रहे हैं। आप चटनी को, इमली की चटनी और हरी चटनी को अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। हम थोड़ी सी प्याज डाल रहे हैं इसके ऊपर। मैं ब्लैक नमक यूज़ कर रही हूँ, काला नमक
आप चाहे तो नॉर्मल नमक यूज कर सकते हैं। चाट मसाला, लाल मिर्ची, भुना हुआ जीरे का पाउडर। देखिए हमारी आलू टिक्की की चाट तैयार है, एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।